वेल कम्युनिटी पोस्ट पे तुम्हारा वोट देख के ना रोमन रेंस हील और फेस का भाई, मतलब मेरे को भी मन कर दिया एक वीडियो बनाते इस पे। वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से रोमन रेंस बेटर थे, रोमन रेंस फेस वाले या फिर रोमन रेंस हील वाले। सो इन सारी थिंग्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को नहीं पता है कि फेस और हील क्या होते हैं, तो मैं उनको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, फेस वो होते हैं जो एक हीरो वाले काम करते हैं। जैसा कि तुम मूवी देखते रहोगे, उसमें एक हीरो होता है, एक विलन होता है। एक हीरो जो होता है वो अच्छाई के लिए काम करता है, और एक जो विलन होता है वो बुरे से बुरा काम करता है। सो वही थिंग हमें यहाँ पे WWE में भी देखने को मिलती है। एंड WWE में जो फेस सुपरस्टार होते हैं वो एक हीरो का काम करते हैं, एंड जो हील सुपरस्टार होते हैं वो एक विलन का काम करते हैं। फिलहाल के लिए तुम इतना ही समझ के रखो, तुमको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि फेस और हील क्या होते हैं। वेल तो अब चलते हैं हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि रोमन रेंस फेस वाले अच्छे थे या फिर रोमन रेंस हील वाले। सो यार तुम लोग को बता दूं, पर्सनली हम चलते हैं पहले फेस की तरफ। तो वेल देखो यार, रोमन रेंस का जो फेस कैरेक्टर था वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं था, एंड वो उतना अच्छा प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था जितना ये इनका हील वाला कैरेक्टर काम कर पा रहा है। वेल देखो यार, रोमन रेंस एक फेस सुपरस्टार ऐसे बने थे कि जैसा उनका शील्ड में डेब्यू हुआ था, एंड शील्ड टूटने के बाद तो वो फेस बन चुके थे। एंड जो रोमन रेंस का सिंगल रन था वो कभी भी हमें एक हील सुपरस्टार में नहीं देखने को मिला था। एंड 2014 से जब से द शील्ड टूटी थी, उसके बाद से हमें रोमन रेंस एज अ फेस सुपरस्टार देखने को मिले थे। एंड रोमन रेंस का जो कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को वहीं से पुश मिलना शुरू हो गया था जहां से शील्ड टूटी थी, क्योंकि जब शील्ड टूटी थी 2 जून को, एंड उसके बाद जो अगला ही पेपर व्यू था जो कि मनी इन द बैंक था, उसमें जो WWE चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच था जो कि WWE चैंपियनशिप ऊपर थी, उसमें ही पहला ही टाइटल शॉट रोमन रेंस को मिल गया था। एंड वहां पे जो कि टाइटल मतलब जीत नहीं पाए थे रोमन रेंस, वहां पे जॉन सीना जीत गए थे। वेल वहां से उनका पुश रोमन रेंस का एक अच्छे खासे तरीके से शुरू हो गया था। वेल उसके बाद तो हमें समरस्लैम में मैच देखने को मिला था रैंडी ऑर्टन के खिलाफ, जो कि ओवरऑल बहुत ही अच्छा धीरे धीरे पुश रोमन रेंस को मिलना शुरू हो गया था। वेल वहां तक तो सब कुछ ठीक था, रोमन रेंस को वहां पे चीयर भी मिल रहा था, बहुत ही अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। बट जैसे रॉयल रंबल का पारी आता है, तो रॉयल रंबल के टाइम पे वहां पर रोमन रेंस को फर्स्ट टाइम हिट मिला था, जब रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीता था 2015 का। वेल वहां पे सभी जो ऑडियंस थी वो चाहती थी कि वहां पे डैनियल ब्रायन जीते, बट वहां पे हमें जो कि रोमन रेंस जीते हुए दिखाई दिए थे। एंड वेल उसके बाद हमें क्या देखने को मिला था कि रोमन रेंस का वो पुश भी सही था, वहां तक सब कुछ सही था, क्योंकि वहां पे ऑडियंस का तो अपना एक फ्रस्ट्रेशन था, जिसकी वजह से वहां पे ऑडियंस ने अपना फ्रस्ट्रेशन उतारा रोमन रेंस के ऊपर। वेल तो नेक्स्ट वन थिंग, हमें एक चीज़ और देखने को मिली कि फास्ट लेन में हमें अननेसेसरी मैच देखने को मिला, जो कि रोमन रेंस एंड डैनियल ब्रायन का, जहां पे उल्टा और भी बू मिलने लगा रोमन रेंस को। वेल यहां पे WWE का बुकिंग ही थोड़ा खराब था, क्योंकि यहां पे जिस सुपरस्टार रोमन रेंस को, जो कि जिस सुपरस्टार की वजह से बू मिला था रॉयल रंबल में, एंड उसी सुपरस्टार से तुम फास्ट लेन में मैच करवा रहे हो एंड उसे ही क्लीन हरवा दे रहे हो, तो इससे रोमन रेंस को और भी बू मिलना शुरू हो गया था। वेल इसके बाद भी वहां तक सब कुछ सही था। वेल इसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि रॉयल रंबल के बाद रेसलमेनिया में बहुत ही अच्छा खासा हमें रोमन रेंस का एक मैच देखने को मिला। एंड उसके बाद तो हमें जब भी रोमन रेंस का एक पुश जो देखने को मिल रहा था, वो पुश हमें एक गलत टाइम पे ही देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से रोमन रेंस को और भी बूम मिलने लगा था। एंड इसके बाद तो और भी रोमन रेंस का मतलब बहुत सारी कमियां थी, जहां पे वो रोमन रेंस अपने प्रोमो भूल जाते थे, जैसा कि तुम लोग बहुत सारे प्रोमोस देख सकते हो जहां पे रोमन रेंस अपने प्रोमोस भूल जाते थे, मतलब इतना इंप्रूवमेंट उनको करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। वेल इसके बाद तो धीरे धीरे रोमन रेंस ने अपने आप को इंप्रूव भी किया, जो कि अच्छी बात थी। एंड उनके 2018 एंड 2019 के जो तुम अगर प्रोमो देख सकते हो तो बहुत ही अच्छे खासे थे। एंड जॉन सीना के साथ जो प्रोमो वार हुआ था, वहां पर कई हद तक रोमन रेंस ने भी डोमिनेट किया था जॉन सीना को, जो कि आई थिंक ओवरऑल सब कुछ अच्छा था। वेल इसके बाद तो उन्होंने अंडरटेकर को हराया, वेल वहां पे बू मिला रोमन रेंस को। एंड इसके बाद तो मतलब ऐसे ऐसे बू मिलते गया, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर को मतलब एकदम बेकार बना दिया गया। एंड इसके बाद तो इस कैरेक्टर में सबसे ज्यादा रोमन रेंस का जो फेस वाला कैरेक्टर था, उसे टाइटल पिक्चर में ज्यादा रखने की वजह से, एंड बार बार टाइटल पिक्चर में रखने की वजह से और भी ज्यादा हेट मिलता था इस कैरेक्टर को। वेल रोमन रेंस का जब से सिंगल रन शुरुआत हुआ था, उसके बाद से तो हमें एक भी बार रोमन रेंस का हील कैरेक्टर नहीं देखने को मिला था। एंड 2014 से ही रोमन रेंस फेस थे, इसलिए ऑडियंस जो थी वो एक बार देखना चाहती थी कि ये सुपरस्टार अगर हील में रहेंगे तो हमें कैसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है, तो ये सारी ऑडियंस चाहती थी। वेल इसके बाद तो जो हमें रोमन रेंस, एक तो रोमन रेंस का हम जो फेस कैरेक्टर था, उनका फेस कैरेक्टर, ये हम कह सकते हैं कि रोमन रेंस का वो फेस कैरेक्टर बहुत ही बड़ा ड्रॉ था। एंड उस कैरेक्टर ने मतलब लिटरली बहुत सारी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था रोमन रेंस
ने, जो कि मतलब एक ट्रूथ है, एक फैक्ट है ये चीज़, जो कि रोमन रेंस के ये जो मतलब जो कैरेक्टर था फेस वाला, इसकी वजह से बहुत सारी ऑडियंस अट्रैक्ट हुई थी एंड सब लोग देखना चाहते थे कि आगे हमें क्या देखने को मिलने वाला, आगे क्या चल सकता है रोमन रेंस के, हमें आगे जो टाइटल रन देखने को मिलने वाला इसका कैसे एंड हो सकता है, मतलब क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, ये सारा मतलब ड्रॉ कर रहा था। वेल इसके बाद तो पैंडेमिक का सिचुएशन आता है एंड इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि रोमन रेंस गोल्डबर्ग के मैच से पुल आउट हो जाते हैं एंड इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि 2020 के समर स्लैम में रोमन रेंस का करियर का सबसे बेस्ट कैरेक्टर देखने को मिलता है, ट्राइबल चीफ वाला, द हेड ऑफ द टेबल वाला, जो कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन चुका है। मतलब यार ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा इंप्रूव किया अपने आप को रोमन रेंस ने, मतलब अपने प्रोमो स्किल्स इतने खतरनाक कर लिए हैं, अपनी जो बॉडी है उस पर काम किया एंड इसके बाद तो यार मतलब रोमन रेंस इसके बाद तो उन्होंने अपने रेसलिंग स्किल्स एंड सारी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया, जिसकी वजह से रोमन रेंस का ये जो ट्राइबल चीफ वाला गिमिक है ये बहुत ही बेस्ट देखने को मिला एंड रोमन रेंस के साथ में जो पॉल हेमन का अलाइन था ना यार, मतलब वो भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट देखने को मिला एंड रोमन रेंस एंड पॉल हेमन दोनों ने मिलकर इस कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा ऊपर लाया एंड जो कि पॉल हेमन का जो मतलब एक बहुत ही अच्छे खासे तरीके से अलाइनमेंट होता है ना भाई यार, मतलब बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था एंड यहाँ पे जो रोमन रेंस है, ये वाला जो रोमन रेंस का कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर हर बार अनप्रेडिक्टेबल रहता है, मतलब रोमन रेंस का तुम देख ही सकते हो, तुम उनके अपोनेंट तक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एंड नेक्स्ट वन उनके मैचेस का क्या रिजल्ट देखने को मिलने वाला है तुम ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एंड तुमको लगेगा कि रोमन रेंस अब हार जाएंगे एंड अगले पेपर व्यू में हार जाएंगे, अभी हार जाएंगे, स्मैकडाउन में हार जाएंगे, बट हमें क्या देखने को मिलता है कि रोमन रेंस कैसे ना कैसे करके अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं एंड वो स्टिल चैंपियन बने रहते हैं, जो कि मतलब इनक्रेडिबल है यार, मतलब तुम अनप्रिडिक्ट मतलब उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तुम रोमन रेंस को। वेल ऐसे रोमन रेंस का कैरेक्टर इतना खतरनाक बन चुका है, जो कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रोमन रेंस का ये जो ट्राइबल चीफ वाला गेमिंग है और ये जो मतलब रोमन रेंस का कैरेक्टर चल रहा है, ये इनका प्राइम टाइम है, जो कि मतलब सबसे बेस्ट कैरेक्टर एंड बेस्ट थिंग चल रहा है इन रेसलिंग इंडस्ट्री एंड तुम सभी लोग जान रहे हो कि बहुत सारे लोगों ने इनकी तारीफ की है, इस कैरेक्टर की तारीफ कही है, जो कि तारीफ का ये हकदार है ये कैरेक्टर, जो कि हम लोग सभी लोग कह सकते हैं। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे जो कैरेक्टर है इनका, जो फेस वाले से भी अच्छा कैरेक्टर हील वाला बन चुका है, जो कि ये फैक्ट है यार, ये तुमको मानना ही पड़ेगा। सो वेल आपका क्या ओपिनियन है हील और फेस, मतलब ये तो मेरा पूरा ओपिनियन था, वेल आपका भी ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे हिसाब से तो हील कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़िया है रोमन रेंस का एंड आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे बेस्ट था, या द बिग डॉग वाला या फिर द ट्राइबल चीफ वाला, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो एंड हाँ, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एवरीवन। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है, अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।